देखो बच्चों, अपन आज बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की और साथ में अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोनों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है ये आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और कोशिश करूँगा कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आ जाए। तो अपन पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या क्या होता है वो अपन अब स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप लोग देख लो, और ये आपकी कॉपी में भी लिखी हुई है कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकार की सांद्रता के शून्यघात के समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने आप लोगों को आपकी कॉपी में लिखवा दिया था। अब इसके लिए अपन को दो तरह के समीकरण पढ़ने हैं, समाकलित वेग समीकरण और अवकलित वेग समीकरण, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो एक सामान्य अभिक्रिया अपन ने ले ली RP, एक सामान्य अभिक्रिया, और यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया R जो है वो अभिकारक है और P जो है वो उत्पाद है। अब इसके लिए अपन देखने वाले हैं इसका वेग जो है वो कैसे लिखते थे। वेग बराबर माइनस dr बटे dt बराबर के, और यहाँ पर r की पावर 0। ये आप लोगों को मैंने बता दिया था, क्योंकि शून्य घात के समानुपाती होता है तो इसकी अभिकारक की जो घात है वो शून्य होगी। और ये आप लोग जानते हो, चूँकि r नॉट बराबर क्या होता है, एक, मतलब किसी भी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ r नॉट का मान 1 हो जाएगा। तो इसको अपन अब थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, या करके लिख देंगे वेग बराबर माइनस dr बटे dt बराबर के। तो ये हो गया के। अब अपन बात करेंगे, और ये जो अपना समीकरण है इसको अपन अवकल वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवकल वेग समीकरण। अवकल वेग समीकरण हो गया। अब देखो आगे जो माइनस dr और dt बराबर के हैं, इसको अपन अवकल वेग समीकरण कह रहे हैं। अब इसके बाद अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो माइनस dr है, dt है, तो अपन क्या करें, इस माइनस को इधर की साइड लेके जाएंगे, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा dr, और इसको वज्र गुणा कर देंगे अपन, है ना, वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया माइनस kdt, ठीक है, kdt। तो ये हो गया अपना, ये कैसे आया माइनस, इधर की साइड कैसे पहुंच गया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया इस तरह से। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अपन इस समीकरण का समाकलन करेंगे बेटा। क्या करेंगे? समीकरण, तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे यहाँ पर डी आर है तो पहले समाकलन का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर जो के है स्थिरांक, इसको बाहर रखना चाहें तो रख देते हैं या अंदर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका समाकलन होगा नहीं। तो ये dt हो गया, इधर हो गया dr। तो अब देखो, मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था कैसे समाकलन करते हैं, तो dr का क्या होगा और dt का क्या होगा, मैं आप लोगों को थोड़े से एक बार समाकलन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर dx का समाकलन होता है x, तो यहाँ पर r है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, dr हो गया ना, d अंदर की साइड है ना, dr, तो इसका समाकलन r हो जाएगा। इसी तरह से dt की अगर बात करें, इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन t हो जाएगा। तो x का dx का x हो गया, dr का r हो गया, और dt का t हो गया। अब देखो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dr का समाकलन r बराबर माइनस k, dt का क्या हो जाएगा, t, और यहाँ समाकलन स्थिरांक i और c दोनों ले लेते हैं, तो अपन ने i लिया तो अपन i लेंगे, तो यहाँ r बराबर हो गया माइनस kt प्लस i। अब देखो यहाँ पर क्या है, i है समाकलन स्थिरांक, तो मैंने लिख दिया i बराबर समाकलन स्थिरांक, तो ये i बराबर हो गया बेटा समाकलन स्थिरांक, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा, वीडियो को रोक के आप लोग देख सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने बताया था कैसे कैसे लिखते हैं, कि जब टी बराबर 0 और आर बराबर आर नोट, मैंने आप लोग को बता दिया था, इसको समीकरण नंबर 2 अपन ने दे दिया। तो अपन लिखेंगे जब टी बराबर 0 तथा
या तो आर बराबर आर नोट लिख देंगे, तो मतलब आर बराबर आर नोट और टी बराबर जीरो, इन दोनों मानों को अपन समीकरण नंबर दो में रख देंगे। तो यहाँ आर नोट क्या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ये बाद में भी लिखते हैं, पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार बता देंगे तो चलेगा। अब देखो ऊपर का जो समीकरण नंबर दो है इसमें दोनों मान रख देते हैं, तो अपन ने बोला टी बराबर जीरो और आर बराबर आर नोट, तो देखो यहाँ पे ये आर है तो इसकी जगह आर नोट रख देंगे, बराबर माइनस के गुणा टी की जगह जीरो प्लस आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, के गुणा जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा आर नोट। इसको समीकरण नंबर तीन दे दो। अब अपन यहाँ ये लिख सकते हैं कि समीकरण तीन से आई का मान समीकरण दो में रखने पर, आई का मान समीकरण दो में रखने पर, तो यहाँ पर अपन ने मान रख देंगे। देखो इधर क्या हो गया, हम आर बराबर तो आर माइनस के टी प्लस आई का मान क्या हो गया आर नोट। अब ये जो आर नोट है इसको इधर की साइड ले जाएं बेटा, है ना, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आप लोगों को अपन ने किया है तो अभी देख लो आप लोग, आर इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस आर नोट बराबर माइनस के टी, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस है ना, मैं इसको हटाना है, माइनस के को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो देखो ये क्या होगा, आर नोट पहले आ जाएगा और आर है इसको बाद में लिख देंगे। देखो ये आर है इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस में, और ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो आगे लिख देते हैं आर नोट को, या आप लोगों ने क्लास में समझाया तो इसको लिख देते हैं अपन आर नोट माइनस आर, क्योंकि बराबर के टी, ठीक है। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि माइनस से गुणा किया तो ये माइनस में तो आर माइनस में ही आ, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो आर नोट क्या होगा प्लस, ठीक है, और बराबर के टी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपन लिख सकते हैं के बराबर आर नोट माइनस आर बटे टी, और ये जो है अपना ये हो गया भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, क्या हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। यहाँ तक डेरिवेशन है अच्छे से आ गई होगी समझ में मेरे हिसाब से आप लोगों को, ये समाकलित वेग समीकरण हो गया, समाकलित वेग समीकरण है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे समाकलित वेग समीकरण। वेग समीकरण ही समझ में आ गया होगा, अर्धायु काल भी अपन कर लेते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि जीरो ऑर्डर का जो अर्धायु काल है वो कैसा होता है कैसा नहीं होता इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, अर्धायु काल की डेफिनेशन क्या होती है, तो बताया था किसी भी अभिक्रिया का जो अभिकारक की सांद्रता है 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसको अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। तो साथ ही साथ इसको अर्धायु काल को समझ लो, तो अपन ने जो ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा था इसमें टी बराबर तो टी हाफ रख देंगे और जहाँ आर लगा हुआ वहाँ आर बट नोट बटे दो कर देंगे, तो लिख देते हैं टी बराबर के को नीचे ले लें, ये फॉर्मूला हो गया। अब टी की जगह और मान चेंज कर देते हैं, जब टी बराबर समय टी बराबर टी हाफ कर दें इसको, है ना, और जो आर है आर की जगह रख देते हैं आर नोट बटे दो, आर नोट बटे दो रख देते हैं साहब, समझ में आ रहा होगा आर नोट बटे दो, एक बटा दो अपन आर नोट भी लिख सकते हैं इसको। अभी दोनों मान समीकरण इसमें रख देते हैं, टी बराबर तो टी हाफ हो गया आर नोट माइनस एक बटा दो, मतलब पूरा आर है उसमें से आधार, तो आधार घटाएंगे तो क्या होगा आधार ही बचेगा यहाँ पे बटे के कर दो। चलो अब देखो पूरे में से आधा गया तो क्या बचा आधा, तो एक बटा दो तो दो नीचे आ जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा टी हाफ बराबर हो जाएगा, आधा गया तो
एक बटा दो करेंगे ना, तो ऊपर क्या बचा, आर नोट अपॉन के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टी हाफ बराबर एक बटा दो आर नोट। ये अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल हो गया। ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स करके बताना, जिससे मैं फर्स्ट ऑर्डर का भी